फोन से YouTube पे लाइव कैसे कर सकते हो। इन दिनों मैं अदर चैनल पे फोन से YouTube पे काफी सारे लाइव किया हूँ और मैंने ये देखा कि भाई दुनिया फोन से YouTube पे लाइव कर रही है और साथ साथ उस पर अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। तो मैं आपको आज यही अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों कि फोन से YouTube पे लाइव कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है या दोस्तों आता भी है तो अपने मोबाइल में कैसे शेयर कर पाएंगे लाइव में, यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। सो हम आ चुके अपने मोबाइल फोन पे और इस मोबाइल फोन पे अब हम क्या करेंगे, अपने YouTube को ओपन कर लेंगे। आपको YouTube पे लाइव करने के लिए YouTube चैनल होना जरूरी है। अब YouTube चैनल होगा तभी तो आप लाइव करना चाह रहे हो, जब सिर्फ डिप ये तो कॉमन सी बात है। तो आई थिंक कि मुझे आपके पास एक लाइव करने के लिए एक YouTube चैनल जरूर होगा। सबसे पहले मैं उस YouTube चैनल को लॉगिन करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा जिस YouTube चैनल पे मैं लाइव कर रहा हूं इन दिनों। सो आप देखोगे यहाँ पे कि मैं इन दिनों लाइव किया हूं अपने YouTube चैनल पे और इसमें आप देख पाएंगे कि मुझे एक पे सब जो लाइव है उसमें मुझे 7.8K व्यूज आए हैं, दूसरे में यहाँ पे 800 प्लस व्यूज आए हैं एंड यहाँ पे एक लाइव अभी अपडेट हो रहा है जिसमें 1000 प्लस व्यूज आने वाले हैं। मुझे पता है भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप भी लाइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है बिना टेंशन का। कैसे मैं बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आईडी चेंज करूंगा सबसे पहले। तो सो मैं यहाँ पे YT ट्रेडर्स करके मेरे एक चैनल है जिसको मैं यहाँ पे लाइव करने जा रहा हूँ अभी और ये मैं आपके सामने में लॉगिन कर लिया, ठीक है। इसका चैनल का नाम है, आप YT ट्रेडर्स करके देख सकते हैं, ये चैनल मेरा ही है और मैं इस पे लाइव जाने वाला हूँ, ठीक है। अब करना क्या है अपने को, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे प्लस पे क्लिक किए तो कुछ इस प्रकार से आपके जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं आपके गैलरी में वो दिख जाएंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे लाइव पे चले जाने हैं, लाइव सेशन को ऑन कर लेने हैं, ठीक है। आपका फेस दिखने लग जाएगा, तो अगर चाहो तो कैमरा वगैरह पोस्ट सकते हो यहाँ से। मैं कैमरा अपने टी शर्ट से पोस्ट लिया, ठीक, सॉरी। अब यहाँ पे कैमरा मेरा फ्रेश हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा नीचे में, ये वाला, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, जितने भी चीजें हैं वो डाल सकते हैं। कैसे, एक एक करके मैं करके दिखाने वाला हूँ। सो मैं अपने व्हाट्सएप में टाइटल ले रख रखा हूँ, कॉपी करके इसको उठा के ले जाते हैं और यहाँ पे जो टाइटल एरिया है इसमें आपको ये पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। मैंने ये पेस्ट कर दिया, इसमें से कुछ चीजें हटा सकते हैं अपन कि जो अपना नहीं है, किसी और का टाइटल मैं कॉपी किया हूं यहाँ पे, तो ये अपना नहीं है तो इसे हटा सकते हैं। अब अगेन इसको हम कॉपी कर पाएंगे यहीं से, ठीक है। सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी किए और इसको आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये वाला एरिया, ये डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। टाइटल यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं टॉप में ही डालूंगा बस और ज्यादा नहीं डालूंगा। कहाँ पे चला गया भाई, चला गया कहीं भी। ओके, सो यहाँ पे डालना है अपने को। अगेन डिस्क्रिप्शन क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दीजिए, आप कर लीजिएगा अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइव है अनलिस्टेड है, ये जो लाइव है अनलिस्टेड है, इसे आपको पब्लिक सेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पब्लिक सेट करते हैं, गॉट इट। अब आपको अगर मान लो कि आपको फेस कैम करना है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अगर मान लो आपको अपना मोबाइल को स्क्रीन को शेयर करना है तो फिर आपको यहाँ पे एक स्क्रीन कास्ट देखने को मिलता है, इसको आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूं। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे नीचे में एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक मोनेटाइज का ऑप्शन है, इसे ऑन कर लेने हैं, डाउट अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं। अब आपको आपका फेस दिख जाएगा, मेरा लाइट कट चुका है इसलिए मैं मोबाइल फोन को डायरेक्टली शूट कर रहा हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको थंबनेल डालना होगा अपने अथी का, लाइव का। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एड करना है, ठीक है, और इसको आप एज अ अपलोड थंबनेल करेंगे। थंबनेल आपको पहले से बनाकर रखना होगा। सो मैंने एक थंबनेल बनाकर रखा है, मैं उसे ही डालूंगा यहाँ पे। मेरा थंबनेल ये हो गया, इसी को डाल दूंगा, सेव कर देंगे। आपको भी थंबनेल पहले से बना रखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे अब आता है गेट इट, इस पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे अब
लाइव भी जाएगा, तो इसके क्या होगा कि यहाँ पे मैं म्यूट कर रहा हूँ, इसको म्यूट कर दीजिए, वीडियो को भी म्यूट कर सकते हैं यहाँ से, तब आपका सिर्फ लोगो इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, कंटिन्यू करा तो आप देखोगे कि आपका लोगो यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, और आपको यहाँ पे टॉप में पूरा मैनेज करने का मिल जाता है। यहाँ से गो लाइव अभी लाइव नहीं हुआ है, लाइव जा सकते हैं हम, यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करके लाइव जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं ये वीडियो वाला जो सेशन है इसको ऑफ कर दिया हूँ, मैंने ऑडियो वाला सेशन को ऑफ कर दिया हूँ, हमने कमेंट को रहने दिया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से पर्सनली सब कुछ ऑफ कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए किस तरह की इंटरफेस। अब बोलता है कि आगे मैं लाइव स्टार्ट करूं तो मेरा रिकॉर्डिंग ना हो, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पेश करूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गो लाइव पे क्लिक करने के बाद हमारा लाइव हो चुका है, इसका ध्यान रखिएगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से आप इस वीडियो को हटा भी सकते हैं, वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो अपना फेस कैम ले सकते हैं, या आप सिंपल सा इसका यूज कर सकते हैं लाइव के लिए। अब स्क्रीन पे जो भी रहेगा वो स्क्रीन पे दिखेगा, आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा, आपके लाइव में दिखेगा, ये सब कुछ आप लाइव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश किया कि आप लाइव कैसे कर सकते हैं और इजिली आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अभी लाइव स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो मैं कुछ देर लाइव चलने देता हूँ। आप लोग इसी प्रकार से अपना लाइव शुरू करते हैं, जो भी स्क्रीन पे आप चलाएंगे वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके लोगो दिख रहे होंगे, लोगो पे से आप वीडियो को हटाएंगे तो वीडियो शो होगा, आप ऑडियो को हटाएंगे तो ऑडियो शो होगा, इस तरह से आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा लाइव स्टार्ट हो चुका है, और क्रॉस पे क्लिक करके इसे कट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लाइव करना सीख चुके हैं अपने मोबाइल फोन से, आप भी सीख चुके हैं। सो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट करके टेलीग्राम ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।